हालांकि मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आज ही जैसे हमारे एक साथी ने ओला दिखाया कि ओले इतने बड़े बड़े गिरे हैं, हम उस पर भी चर्चा करना चाहते हैं। और आपके माध्यम से हम तो ये कहना चाहते हैं कि जहाँ मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में बलात्कार में नंबर एक है, तो अब ये उनको नंबर एक होने का अवार्ड कौन देगा? सरकार को कौन कुछ से हाथों लेना चाहते हैं? क्या विपक्ष उनको ये अवार्ड भी नहीं दे सकती कि आपकी आप पहले जब हाउस चलता था तो आईजी एसपी अलर्ट हो जाते थे, कोई घटना नहीं होना चाहिए। आज तो हाउस चल रहा और अपराध बढ़ता जा रहा है। ये कहते हैं एमपी अजब है, भ्रष्टाचार में गजब है, बलात्कार में गजब है, एमपी अजब है, भाई भतीजावाद को बढ़ाने में गजब है, एमपी अजब है। इस तरीके से व्यवस्था करना। और मैं तो ये मानता हूँ कि वर्तमान स्थिति ऐसी आ गई है कि अधिकारियों ने ये मान लिया कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना है, इसलिए वो ओला जहाँ जहाँ गिरे वहाँ खुद नहीं जा रहे। मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि तुम घूम के बताओ कि हम कम आवता दें। इनकी कमांड होना चाहिए मध्य प्रदेश के कितने किसानों के खेत में जाएंगे या अपने चहीदों के खेत में जाएंगे। अगर ये सबको होते तो अधिकारियों को लाइन देते कि इतने दिन के अंदर आप अपनी रिपोर्ट दे दीजिए कि आप कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है। अब ये तो भाई भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बात है। जहाँ ये देख के आएंगे माँ जो है उसका नुकसान 25% है, उसको 50% की मदद मिल जाएगी, लेकिन जहाँ 90% नुकसान हो गया वो बेचारा किसके पास जाए, वो कैसे मुख्यमंत्री से कहे? या तो हाउस को ख़त्म करवाने के बाद मुख्यमंत्री ये ऐलान करते हैं कि मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ जिस जिस किसान के खेत में ओले गिने हैं मैं उन खेतों में जाऊँगा, खुद देखूंगा, मुझे अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, वो मेरे साथ कॉपरेट नहीं कर रहा।